धर्म नगरी अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के संगठन के लोगों ने तपस्वी जी की छावनी में संत धर्माचार्य को कंबल वितरण किया। इस कंबल वितरण में मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा ने संकल्प लिया है, अगर भारत को केंद्र सरकार हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी तो अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की प्रतिमा स्थापित होगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ ने आचार्य पीठ तपस्वी की छावनी के महंत परमहंस दास को राष्ट्र संत घोषित करने की मांग की। हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने कहा, संतों का देश भारत है। परमहंस दास को राष्ट्रीय संत घोषित करने से सनातन धर्म और हिंदू समाज की सुरक्षा हो सकेगी। अंडा मांस मदिरा बिक्री मुक्त अयोध्या का अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ ने समर्थन किया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील शुक्ला ने कहा कि तपस्वी की छावनी के महंत परमहंस दास की मांग का पूर्ण समर्थन महासंघ करेगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय संरक्षक महंत परमहंस ने बताया, महासंघ भारत पूरे प्रदेश में शीतलहर को देखते हुए 11,000 कंबल का वितरण कर रहा है। अयोध्या से कार्यक्रम की महासंघ ने शुरुआत की। परमहंस दास के नेतृत्व में तपस्वी की छावनी में 250 से अधिक साधु संतों को कंबल वितरित किए गए। आज संत धर्माचार्य को लगभग 250 कंबल का वितरण किया। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए संकल्प लिया गया और साथ ही अयोध्या की जो सांस्कृतिक सीमा है वहाँ से अंडा मांस मदिरा पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, उसके लिए उन्होंने हमारा समर्थन भी किया है। और एक बड़ी घोषणा इन्होंने किया है कि जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोने की प्रतिमा अयोध्या में लगवाएंगे। और एक बात इन्होंने जो हमारे लिए कहा कि जिस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उस तरह से मुझे राष्ट्र संत केंद्र सरकार घोषित करे, इसके लिए मैं आभार भी व्यक्त करता हूं इनका। और संत का वैसे एक ही काम है कि देश के लिए जीना और देश के लिए मरना और देश के गौरव के लिए निरंतर प्रयास करते रहना। और मैं प्रयास भी कर उसी तरह से मेरा जीवन, मैं जब से जानने लायक हुआ तब से समाज सेवा और राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने में निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। चाहे वो राम मंदिर का आंदोलन रहा हो या पालघर संतों के उसमें जो है खड़ा होना रहा हो या पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के मेरा जो प्रयास रहा है और हिंदू राष्ट्र के लिए अभी 16 दिन तक मेरा आवरण अनशन था, सब लोग जानते ही हैं। और अयोध्या में जिस तरह से अंडा मांस मदिरा को प्रतिबंधित कराने मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय का आदेश कराया, तो मेरा प्रयास है कि भारत जो है जल्द से जल्द विश्वगुरु बने और रामराज की पुनः स्थापना हो। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यही ये संभव है। जिस तरह से लोग कहते थे कि ये 370-35 कभी हट ही नहीं सकता है, लेकिन ऐसे हट गया कि लोगों को पता ही नहीं लगा, उसी तरह से भारत हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो जाएगा और लोग जो है सोचते रह जाएंगे कि कैसे ये हो गया। तो इसलिए हम लोगों का ये जो प्रयास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः रामराज की स्थापना हो, तो ये आशा है कि होगा। और यदि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता है तो इसके लिए हम लोग जन आंदोलन करेंगे भारत का। और महाराज जी हमारे संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक हैं और आपके नेतृत्व में हमारे संगठन को आपने निर्देशित किया कि जो ठंड बहुत है इसको देखते हुए हमारे संगठन से 11,000 कंबल पूरे प्रदेश में बंटने हैं, जिसकी आज शुरुआत की गई है। पहली शुरुआत अयोध्या में साधु संतों को वितरण करके किया गया है। कितने कंबल आपने वितरण करे? ये गिना नहीं गया, लगभग हम लोग 250 कंबल लेकर आए के लगभग बटा है और जो ख़त्म हो गए लोग खड़े हैं अभी भी। तो ये कंबल वितरण हुआ और हमारा संगठन जो है पूज्य नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करता है, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनसे मांग करता है कि पूज्य महाराज जी को राष्ट्रीय संत की उपाधि दी जाए। और ये मांग करता रहेगा क्योंकि हिंदुत्व की रक्षा और संत समाज की रक्षा के लिए परमहंस दास जैसा ही हमारे लिए एक योद्धा होना चाहिए। और हमारा संगठन ये भी मांग करता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और जिस दिन ये संकल्प हम लेकर आज यहाँ से जाते हैं, जिस दिन मोदी जी हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, अयोध्या में सोने की मूर्ति नरेंद्र मोदी जी की हमारा संगठन। जय श्री राम। और चूंकि अयोध्या धर्म की नगरी है, यहाँ से मांस मदिरा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए और इस परिक्षेत्र के अंदर किसी तरह का अगर ऐसा कार्यक्रम होता है तो हमारा संगठन उसके लिए आंदोलन भी करेगा। महाराज जी इसका ज्ञापन पहले ही दे चुके हैं, ये मुझे मालूम है। तो हम लोग आपके समर्थन में, तो आप ही के सानिध्य में तो हम लोग काम कर रहे हैं। महाराज जी ने जैसा किया है कि अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके लिए हम धरना भी देंगे, तो हम लोग महाराज जी के साथ रहेंगे। क्या नाम आपका? सुनील कुमार शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत।